बच्चों के लिए आज सुनाती आर्टिकल 338 में विधानसभा में एसटी को आरक्षण आर्टिकल 338 के फर्स्ट में एसटी आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 342 एसटी की दी गई है परिभाषा, एसटी का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन मिलता है और डेफिनेशन 366 के 25 खंड में एसटी की परिभाषा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, अगर एग्जाम में देखा जाए तो सिर्फ ये क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, अब आ जाओ एसटी की जनसंख्या 1.53 करोड़। ठीक, संख्या वृद्धि हुई है इनकी में 20.3%, ये इतनी इंक्रीजमेंट हुई है। दूसरा, सबसे ज्यादा एसटी का ये देखो धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रतिशत के आधार पर मैक्सिमम कहाँ है तो याद रखेंगे अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, उल्टा ये बन गया अखबार। एसटी प्रतिशत में कम, ठीक, तो भिंड, दतिया, मुरैना, फिर प्रतिशत में एसटी कम भिंड, मुरैना, दतिया, ये क्लियर हुआ। एमपी की सबसे बड़ी एसटी, अभी तक जो पढ़ाया उसका सबसे इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट है। सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरे पे गौंड, तीसरे पे कोल, मिनिमम सबसे छोटी जनजाति है कमा। एमपी की पिछड़ी जनजाति, ठीक, इसमें सबसे ज्यादा पिछड़ी है सहरिया, दूसरे पे भारिया, तीसरे पे बेगा। भारत की बड़ी एसटी पहली गौंड, दूसरी भील, तीसरी संताल, लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछे बड़ी कौन सी तो भील पहली हो जाएगी, गौंड दूसरी हो जाएगी, संताल तीसरी। अविस्तार पूछा है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी एसटी कौन सी तो भील है, ये है अपने 17.08 करोड़, ये है 13.98 करोड़। लेकिन सिंपल ये लिखते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गौंड है, क्योंकि ये जनजाति समूह बहुत बड़ा है। ठीक, इस पे से क्वेश्चन कंफर्म मानो, इस पे से क्वेश्चन कंफर्म, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये पांच क्वेश्चन में कोई एक रख सकता है। ठीक, बनाएंगे।